हेलो बच्चों हम लोगों ने पिछले टर्न पर गौलॉ के सवाल किए थे और आज मैं गौसलॉ के जो कोर क्वेश्चंस हैं उनका आखिरी क्लास ले रही हूँ आई एम गिविंग यू एज मच क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एज पॉसिबल बिकॉज टू नो फिज़िक्स कॉन्सेप्ट्स इज एक्चुअली नथिंग बट सॉल्व एंड सॉल्व एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स So I'm discussing as many problems as I can, right? So now the last question in the class, last class, I have given a hint, and then I left that question for practice. So today I'm giving you solution of that question, beautiful question, and few more questions. That question was question number four, H.C. Verma, right? so let me see what was that question that question was let me focus it yes the question was you were given electric field and you have to find charge contained inside a cubical volume Bounded by the surfaces x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to a, z equal to 0, and z equal to a, right. And e naught is 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. Length is 2 centimeter. And a is one centimeter. Have you noted down the question? Now see what is the question asking. Question is saying find charge contained inside a cubical volume bounded by this sur this surface, these surfaces and where this cube is kept, it is placed in a space where this is the electric field present so let me start with a diagram right always as soon as you start reading the question try and practice to imagine the diagram now here let me see what is x equal to a and x equal to 0 surfaces let me see it x equal to if you take exactly if we take the diagram as we are having here x z and y See, x, z, and y, right? And they are saying x equal to 0 and x equal to a. See, x equal to 0, just try to imagine the 3D picture x equal to 0 and x equal to a. These are the two surfaces. Are you able to uh, visualize it? x equal to zero एंड x equal to a, x equal to zero एंड x equal to a, ये दोनों सर्फेसिज जो हैं ये क्यूब की दो सर्फेसेज हो गई और देखो कौन सी सर्फेसिज हैं क्वेश्चन में y equal to zero एंड y equal to a, देखो y equal to zero एंड y equal to a, ये ऊपर नीचे वाली सर्फेसिज हो गई क्यूब की देखो बेटा समझ पा रहे हो तो फोर सर्फेसेस डिस्कस कर ली हमने अब z इक्वल टू ज़ीरो एंड z इक्वल टू ए तो ये आगे पीछे वाली z इक्वल टू ज़ीरो एंड z इक्वल टू ए z इक्वल टू ज़ीरो z इक्वल टू ए आगे पीछे की सर्विस x इक्वल टू ज़ीरो x इक्वल टू ए लेफ्ट और राइट की सर्फेसिस एंड वाई इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू ए ये ऊपर और नीचे वाली सर्फेसेस क्यूब बन गया ना तो देखो अब हम लोगों ने इसको टू डी में जैसे बनाया है ये है तुम्हारा पूरा क्यूब उन सिक्स सर्फेसेस से जो सिक्स सर्फेसेस अभी क्वेश्चन में बोली गई है ठीक है अब क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है एंड यू हैव टू फाइंड चार्ज चलो स्टार्ट करते हैं हिंट मैंने पिछली बार थोड़ा सा सॉल्यूशन तुमको दिखाया था तो एरिया वेक्टर फॉर ए बी सी डी ए बी सी डी चलो देखते हैं एरिया वेक्टर फॉर ए बी सी डी कैसे निकालेंगे बेटा एरिया वेक्टर ये रहा ए बी सी डी है ना ये देखो ये ए बी सी डी सरफेस है ये जो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर थी अब इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा देखो ऐसे होगा ना इस तरीके से ऐसे एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर आप इसको फिर से देखो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर ए बी सी डी है और ये रहा एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है सोचो माइनस एक्स डायरेक्शन में है या नहीं एक्स इक्वल टू जीरो पर ए बी सी डी है और उसका एरिया वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में है ठीक है ये रहा ए बी सी डी ये वाला सरफेस और इसका एरिया वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो देखो एरिया वेक्टर हमने क्या लिखा इस सरफेस का x इक्वल टू ए पर जो ये सरफेस बन रही है ये किस ये सरफेस देखो ये कितनी बड़ी बन रही है ये लेंथ जो है ये a है ना और ऊपर और नीचे वाली भी a है गेटिंग द पॉइंट और नॉट तो ये जो सरफेस बन रही है आपकी शेडेड पार्ट इसका एरिया वेक्टर का मैग एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर और डायरेक्शन माइनस आई क्लियर हो रही है बात अच्छा तो एरिया वेक्टर ए बी सी डी का ये है अब फ्लक्स कमिंग इन थ्रू ए बी सी डी ध्यान से देखो एरिया वेक्टर तो तुमने बना लिया अब जरा ई वेक्टर देखो किधर है ई वेक्टर किधर है ई वेक्टर है प्लस एक्स डायरेक्शन में है या नहीं ई वेक्टर है प्लस एक्स डायरेक्शन में तो ये बताओ कि जो फ्लक्स है जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ए बी सी डी से एंटर करेंगी कि नहीं देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे तो इस सरफेस से एंटर करेंगी और इस सरफेस से एग्जिट करेंगी किस सरफेस से एग्जिट करेंगी आराम से देख लो बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग सकता है लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको तुम किसी भी तरीके के ट्विस्टिंग क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो कॉन्सेप्ट दिमाग खुल जाता है इस तरह के सवालों से ब्लू सरफेस से फी लाइंस एंटर करेंगी और रेड सरफेस से फील लाइंस एग्जिट करेंगी क्योंकि फील लाइंस की डायरेक्शन ऐसी है प्लस एक्स डायरेक्शन में है ठीक है और इस सरफेस से फील लाइंस बाहर निकलेंगी तो देखो हम लोगों ने एबीसीडी का हिसाब पहले कर लेना है फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे अब तुम सोचोगे कि हम फ्लक्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं उन्होंने क्या पूछा है कि चार्ज कंटेन्ड इन साइड द क्यूबिकल वॉल्यूम यही तो पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और सर्फेसेस का साइज दिया है अब सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्फेस दी है तो क्या हमें यह साफ समझ में आ रहा है कि हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लें अगर और गॉस लॉ यूज़ कर लें फ्लक्स क्यू इनक्लोज अप एप्साइलम नॉट तो हमें क्यू इनक्लोज मिल जाएगा तो हम कैसे स्टेप्स से आगे बढ़ रहे हैं इस स्टेप को हम लोग राइट right में इधर लिख लेते हैं पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स फ्लक्स कैलकुलेट करके हम यूज करेंगे फॉर्मूला फ्लक्स इज क्यू इनक्लोज अपॉन एप्साइलम नॉट और उससे चार्ज इनक्लोज पता कर लेंगे अब फ्लक्स इनक्लोज के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि फील्ड लाइंस कैसे ओरिएंटेड है और सर्फेसेस कैसे ओरिएंटेड है एबीसीडी से कितनी फील्ड लाइन्स एंटर कर रही है यानी ए बी सी डी सर्फिस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है तो सिंपल फॉर्मूला ई डॉट ए कितना है ये वैल्यू तो ऑलरेडी दी है ना देखो और एरिया वेक्टर अभी हमने लिखा ए बी सी डी के लिए अब एरिया वेक्टर ई डॉट ए को कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ A और दोनों के बीच का एंगल अब अभी देखो हमने एरिया वेक्टर किधर बनाया है अभी हमने एरिया वेक्टर बनाया है इधर ये है ना देखो एरिया वेक्टर ये है एरिया वेक्टर और ये ब्लैक लाइंस क्या दिखा रही हैं फील्ड वेक्टर तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ वन तो हमने क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ एस वन 180 कितनी वैल्यू आई देखो कैलकुलेट किया हमने आई डॉट आई वन हो गया ई नॉट एक्स एल एंड ए स्क्वायर और कॉस वन का माइनस आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्लक्स इनपुट जो है इधर से जो हो रहा है उसकी वैल्यू अगर माइनस आई है तो जो एग्जिट करेगा फ्लक्स उसको प्लस ले लेंगे ठीक है तो फ्लक्स इनपुट निकल आया अब यहां पर क्या चीज़ ध्यान देने वाली है बेटा इसीलिए ये सवाल इतना अच्छा है ये फ्लक्स जिस सरफेस से इनपुट हो रहा है वो सरफेस कौन सी है वो सरफेस है x इक्वल टू ज़ीरो राइट तो देखो यहाँ पर हमारे इनपुट फ्लक्स में एक x का टर्म है एक ए स्क्वायर का टर्म है और एक l का टर्म है a और l की वैल्यूज़ को हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे पर x इक्वल टू जीरो तो रखना पड़ेगा तो फ्लक्स कमिंग इन कितना हो गया सीरो क्यों हुआ क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि मैथमेटिकली पहले हम देख लेते हैं उसके बाद हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ मैंने तुमको समझाने के लिए फ़ील्ड लाइंस पैरेलल बना दी हैं लेकिन ये फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ बढ़ रही है यानी एक्चुअली फील्ड लाइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कैसे होती जा रही हैं कंसंट्रेटेड होती जा रही हैं पास आती जा रही हैं एक्स के साथ फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो जहां से एंटर किया फ्लक्स वहां पर एक्चुअली फील्ड ही क्या है जीरो क्योंकि ई डिपेंड्स अपॉन एक्स तो फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी जीरो सिर्फ इतने हिस्से को देखो क्या तुम्हें बात समझ में आई मैं बिल्कुल तेज नहीं जा रही हूँ आप आराम से जो बच्चा भी धीमे भी समझ पा रहा है बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एक बार भी दिमाग में ये मत लाओ कि हमें ये बात एक बार में समझ नहीं आई एक बार भी ये बात दिमाग में नहीं लाओ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो आपने इनपुट फ्लक्स को देखा कि कैसे जीरो हो गया मैं पूरा सॉल्यूशन धीरे से आपको दिखा रही हूँ आप आराम से रिपीट कर करके वीडियो इस पॉइंट को समझो कैसे हमने पहली सरफेस से एरिया वेक्टर निकाला ई वेक्टर दिया है और उस पहली सरफेस का फ्लक्स का एक्सप्रेशन निकाला फिर देखा अरे वो तो एक्स पे डिपेंड करता है तो जो मेरी सरफेस है उसका एक्स तो जीरो है और अगर उसका एक्स जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो गया उस सरफेस से जो इनपुट हुआ ठीक अब इस सरफेस पे आ जाओ ई एफ जी एच फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं दिख रहा है और एरिया वेक्टर कैसा होगा एरिया वेक्टर ये फील्ड लाइन्स बेटा टिल्टेड नहीं है ई e, क्योंकि X पर डिपेंड करता है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फील्ड लाइन्स अगर यहाँ पर मान लो कि फील्ड लाइन्स यहाँ पर फोर हैं तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स एकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगी पास पास आ जाएंगी ये मतलब है E के X पर डिपेंड करने का ठीक यहां पर कम फील्ड लाइंस और यहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है अब एरिया वेक्टर देखो एरिया वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर कैसे होता है ये है एक्स इक्वल टू ये है एक्स इक्वल टू ए की सरफेस और एरिया वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऐसे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर प्लस एक्स डायरेक्शन में है ठीक तो हमने क्या लिखा देखो फॉर दिस रेड सरफेस यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस पास पास आ चुकी हैं फॉर दिस रेड सरफेस एरिया वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया दैट इज ए इंटू ए ए स्क्वा और प्लस आई डायरेक्शन तो फ्लक्स क्या हो जाएगी ई डॉट ए दैट इज ई का मैग्नीट्यूट ए का मैग्नीट्यूट कॉस जीरो ई की वैल्यू रख दी ई नॉट एक्स अपॉन एल और ए की मैग्नीट्यूट रख दिया ए स्क्वायर और कॉस जीरो वन अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है देखो x की वैल्यू यहाँ पर है a ठीक है अगर x की वैल्यू a है देखो x की वैल्यू अगर a है तो जो फ्लक्स हमारा आ रहा था चलो हम लोग देखें क्या फ्लक्स आया था ये फ्लक्स आया था अब x इस सरफेस के लिए x की वैल्यू a है तो यहाँ पर a रख दो तो. जब ए रख दिया हमने तो जो फ्लक्स इस रेड सरफेस से जो फ्लक्स इस रेड सरफेस से बाहर जा रहा है उस फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई नॉट एक्स की वैल्यू रखोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू अपॉन एल ए और एल की वैल्यू हम लोग बिल्कुल लास्ट में रखने वाले हैं अब देखो सवाल में क्यू इनपुट पूछा था कि क्यू इनक्लोज पूछा था ठीक है ना क्यू इनक्लोज पूछा था तो हमारा रास्ता क्या था पहले फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब और फिर गोसलॉ यूज करके क्यू इनक्लोज अब तुम इस क्यूब को ध्यान से देखो आई थिंक बहुत सारे बच्चे गेस कर गए कि इस ब्लू सरफेस और इस रेड सरफेस से फ्लक्स पेनिट्रेट करके एंटर कर रहा है और निकल रहा है ऊपर और नीचे छह और आगे फ्लक्स टच करता हुआ निकल रहा है सर्फेसिज को पेनिट्रेट नहीं कर रहा तो फ्लक्स असोसिएटेड और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाली सर्फेस का एरिया वेक्टर ई से पपेंडिकुलर होगा तो ई डॉट ए, ए ज़ीरो और पीछे वाली और आगे वाली सर्फेस का भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से पपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स ज़ीरो और कैसे इस बात को समझ सकते हैं कि जिन सर्फेसेस को टच करके फील्ड लाइंस निकल रही हैं चाहे वो ऊपर वाली हो नीचे वाली हो पीछे वाली हो आगे वाली हो उन सर्फेसेस का फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो तो केवल ये जो दो फ्ल हैं x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए ये ही फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी तो हमने दोनों का जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर लिया फ्लक्स इनपुट हुआ ज़ीरो और आउटपुट हुआ इतना ज़ीरो क्यों हुआ था फ्लक्स इनपुट याद करो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इक्वल टू जीरो पर ज़ीरो थी राइट right? तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा ज़्यादा वाले फ्लक्स में से कम वाला फ्लक्स माइनस कर दो तो। इसकी वैल्यू ये और इनपुट जीरो तो क्या फ्लक्स नेट फ्लक्स मिल गया हमको अगर नेट फ्लक्स मिल गया हमको तो अब हम इसकी वैल्यू पहले देखो ई नॉट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है लिखी ए की वैल्यू जो दी है लिखी एल की वैल्यू लिखी साथ में इनको हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज भी किया कैलकुलेट किया तो फ्लक्स की वैल्यू पॉइंट टू फाइव न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गई अब हमने कहा कि गौसलो कहता है कि नेट फ्लक्स इज आर्ज इनक्लोज अपॉन ऑन नॉट तो नेट फ्लक्स की वैल्यू रखी चार्ज इनक्लोज कैलकुलेट करना है एप्साइलम नॉट की वैल्यू लिखी और देखो चार्ज इनक्लोज हमारा आ गया 2.2 पॉइंट टू इन टू टेन टू दाइनस ट्वेल्व एक बार फिर से सब सोल्यूशन देख लो और ये पूरा सवाल अपने आप से करना ये बेहतरीन सवाल है बेटा आप अगर इन सारे सवालों को कर लेते हो तो ना तो कोई बोर्ड का सवाल आपको परेशान कर पाएगा गलती करोगे और मैं बिल्कुल भरोसे से कह सकती हूँ नीट और मेंस का भी कोई सवाल इस टॉपिक से आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता जो उनका लेवल होता है डिफ़िकल्टी लेवल उसके अकॉर्डिंग अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन एच वर्मा का ये क्वेश्चन आप नोट करो अगर आपके पास बुक है देन वेल एंड गुड आप बुक से सीधे देखो अदरवाइज मैंने क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है और मैंने आपको डाइग्राम भी हिंट के फॉर्म में दे रखा है ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है कॉपी कर लिया अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं ये भी बहुत अच्छा सवाल है सवाल देखो ये क्वेश्चन नंबर इलेवन है गोसलॉ से ही एच सी वर्मा से ही क्वेश्चन क्या कहता है बेटा देखो क्वेश्चन कहता है कि अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटीरियल ऑफ अ होलोस्फेयर ऑफ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस आर वन एंड आर टू ये स्फेयर है लेकिन ये इतनी थिकनेस का शेल है इनर सरफेस आर वन है आउटर सरफेस आर टू है जो चार्ज दिया गया तो वो कंडक्टर नहीं है ये मटेरियल तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली इस पूरे मटेरियल में अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट right? अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज सिर्फ बाहर वाली सरफेस पे होता अंदर वाली सरफेस पर भी नहीं होता नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्टर के मैजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं लेकिन यहाँ पर इतना समझ लो कि अगर ये कंडक्टर होता तो अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि चार्ज क्या चाहते हैं एक दूसरे से दूर और कंडक्टर में चार्ज फ्लो करने के लिए फ्री है तो वो आउटर सरफेस पे रहेंगे जिससे एक दूसरे से जितना दूर हो सकते उतना दूर हो वो अंदर वाली सरफेस पे क्यों आएंगे? क्योंकि वहाँ पर वो पास पास हो जाते हैं रिलेटिवली अगर आप लॉजिक से समझो जो मैथमेटिक्स है वो तो अलग बात है लॉ से समझना वो अलग बात है लेकिन एक फील लाने के लिए भी समझो तो अंदर की सर्फेस पर कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं होगा बच्चे क्या सोचते हैं कि सरफेस पे चार्ज आ जाता है तो अगर ये कंडक्टर है तो बाहर की सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा और अंदर की सरफेस पे भी ना सिर्फ बाहर की सरफेस पे चार्ज रहेगा तब तक जब तक कि इस कैबिटी में कोई दूसरा चार्ज ना रखा हो तब सिचुएशन अलग हो जाएगी और हम लोग ऐसे सवाल अगले क्लास में करने वाले हैं तो इस ब्लू शेडेड पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ठीक है अब सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पी और ये एक्स कैसे वेरी कर रहा है ये आर वन से आर टू के बीच और फिर क्या कहा कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जबकि पी कहाँ है आर वन और आर टू के बीच यानी इनसाइड साइड द मटीरियल है इन साइड द मटीरियल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू टू आर टू आर टू ग्राफ जब ड्रॉ कराया तो कहा कि ई का वेरिएशन जीरो से चलते हुए एक ऐसे पॉइंट तक पूरा डिस्कस करो जो कि इस शेल से बाहर है अगर r2 टू एक्सटर्नल रेडियस है तो ये जो p है ये 2r2 पर है तो यहाँ से लेकर पूरा 2r2 तक की वेरिएशन को डिस्कस करो ठीक है चलो शुरू करते हैं एक एक करके पहला पॉइंट हमको एक गौसियन सरफेस लेनी पड़ेगी किस जगह पर फील्ड निकालने के लिए पहले पहले पार्ट में किस जगह निकालना है पी पर और पी कहाँ है इन साइड द मटीरियल चलो इन साइड द मटीरियल एक गौसियन सरफेस ले ली ठीक ये कितने रेडियस की है पी अगर एक्स डिस्टेंस पर है तो ये गौसियन सरफेस एक्स रेडियस की है चलो आगे देखें क्या हुआ अब हम लोगों ने लॉ लो लिखा ये जो मटीरियल था ये स्फेरिकल था तो गॉसियन सरफेस भी कैसी है स्फेरिकल है अब हमने लॉ लिख दिया फ्लक्स नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एपसाइल नॉट अब देखो पी पर पी पे ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इससे हम लोग ये बात समझ रहे हैं ना कि जो फील्ड लाइन्स हैं वो रेडियली आउटवर्ड होंगी फील्ड लाइन्स बेटा अंदर से नहीं आ रही हैं इसको आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना ये आपको इसलिए बना के दिखाया कि रेडियली आउटवर्ड हैं पर एक्चुअली फील्ड लाइन्स अंदर नहीं हैं क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है ठीक है तो जो फील्ड लाइन्स हैं वो रेडियली आउटवर्ड आ रही हैं ऐसे जैसे कि इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज सेंटर पर हो ऐसे बाहर आ रही है, ठीक और जो एरिया वेक्टर है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर तो ई e और डी ए एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो चलो अप्लाई कर दें इसको फटाफट यहाँ पर ई डॉट डी ए हो गया ई डी ए कॉस ज़ीरो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है सिमेट्रिकल सिचुएशन देखते हुए ये बात हमको समझ में आ रही है क्या कि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर ई e की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा है इसे ऐसे डील कर सकते हैं जैसे कि ये चार्ज सेंटर पे रखा हो तो पी की डिस्टेंस कहीं भी लो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी मैग्नीट्यूड में तो ई डॉट डी ए डी ए में बदला और उसके बाद E को बाहर ले लिया अब इंटीग्रल डी ए का मतलब हुआ जो क्लोज गोसियन सरफेस हमने सेलेक्ट की है उसका सरफेस एरिया तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा फोर पाई एक्स स्क्वायर क्योंकि गौसियन सरफेस की रेडियस है एक्स अब आते हैं चार्ज इनक्लोज पर ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है चार्ज इनक्लोज कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इस पार्ट ऑफ द मटेरियल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे ये बात समझने वाली है ये आपको समझना है तो इसको देखो ऐसे समझो अगर आपने यहाँ पे देखो अगर आपका इनर रेडियस है आर वन ठीक है ये आर वन और जो गौसियन सरफेस तुमने ली वो कितने रेडियस की थी एक्स तो तुमको कितने हिस्से का चार्ज देखना है तुमको इस पार्ट में कितना चार्ज है वो देखना है गौसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है वो देखना है हमको लेकिन गॉसियन सरफेस का चार्ज इनक्लोज कैसे पता चलेगा अगर हमको ये पता हो कि जो जिस वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है अगर हमको पता हो कि यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है देखो मैं पूरा स्फेयर बना रही हूँ ठीक है ये गौसियन सरफेस और जो आउटर सरफेस है वो क्या है रेडियस आर टू ये आपका एक्चुअली तो यहां से यहां तक पूरा चार्ज है लेकिन गॉसियन सरफेस कितना चार्ज कवर कर रहा है जो ऑरेंज शेडेड पार्ट में चार्ज है बस उतना ठीक है इसको हम थोड़ा सा समझ लें कि ये एक्चुअली चार्ज यहाँ भी है इस जगह भी चार्ज है लेकिन वो गौसियन सरफेस इनक्लोज नहीं कर रही है तो अब हम क्या करेंगे हम कहेंगे कि अगर इसको क्यू चार्ज दिया गया था तो कितने वॉल्यूम पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था सोचो कितने वॉल्यूम पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था टोटल चार्ज था क्यू और जो वॉल्यूम इस चार्ज को कंटेन कर रहा है वो वॉल्यूम ये ऑरेंज और येलो मिलाकर है इस इनर पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा सोचो फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब आउटर पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा फोर बाई थ्री पाई आर टू क्यूब तो इस शेडेड पार्ट का ये कलर्ड पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो फोर बाई थ्री पाई आर टू क्यूब माइनस फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड था ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो इतना है तो क्यों चार्ज इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था तो जो डेंसिटी जिसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या हो जाएगी Q अपॉन फोर बाई थ्री पाई और ब्रैकेट में होगा आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक इधर आपको ये चीज़ क्लियर ही है कि चूँकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो E और डी ए दोनों पैरल हैं ये बात आपको ऑलरेडी क्लियर है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ई फोर बाई एक्स स्क्वायर आ गया ये बात आपको क्लियर है राइट हैंड साइड पर जब हम पहुंचे तो हमने कहा कि यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो तो अगर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो तो ऑरेंज पार्ट के वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा ऑरेंज पार्ट का वॉल्यूम कितना है पहले ये देख लें ऑरेंज पार्ट का वॉल्यूम है फोर बाई थ्री पाई एक्स क्यूब यानी ये पार्ट ये 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 पार्ट ठीक है इसका इस सरफेस का वॉल्यूम कितना है इस बाहरी स्फेयर का फोर बाई थ्री पाई एक्स क्यूब और अंदर वाले का वॉल्यूम कितना है इस वाले सरफेस से जो वॉल्यूम बन रहा है फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब तो ऑरेंज पार्ट का वॉल्यूम कितना है फोर बाई थ्री पाई एक्स क्यूब माइनस फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब तो ऑरेंज पार्ट का वॉल्यूम ये है और जितने वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू चार्ज वो ये है उसकी वजह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये है अब आ जाओ सोल्यूशन पर एक बार हमने सब समझ लिया तो सोल्यूशन क्या कहता है देखो लेफ्ट साइड हम कैलकुलेट कर चुके हैं राइट साइड में आ जाओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी इतने वॉल्यूम पर चार्ज क्यों तो यूनिटरी मेथड यूज करो इतने वॉल्यूम पे चार्ज Q वॉल्यूम पूरा into वॉल्यूम ऑफ Gaussian सरफेस क्या ये बात क्लियर हो पा रही है Q अपॉन इस पूरे हिस्से का येलो ऑरेंज पूरे हिस्से का वॉल्यूम Q अपॉन दिस मच वॉल्यूम into वॉल्यूम ऑफ दिस ऑरेंज पार्ट ओनली ठीक है तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास चार्ज इनक्लोज इतना आ गया और साथ में अपॉन एबसाइड नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो उन्होंने पहले पूछी थी पी पर वो इतनी आ गई आराम से कैलकुलेशन पहले नोट कर लो उसके बाद हम लोग ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं

ठीक है अब हम लोग आते हैं ग्राफ पार्ट पे ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हमें तीन हिस्सों में डिवाइड करना होगा स्पेस को जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चेक करना है पहला पार्ट है सेंटर से इनर रेडियस आर वन तक का अब इसमें देखो सेंटर से इनर रेडियस तक कोई चार्ज इंक्लूज नहीं है अगर तुम इनर रेडियस से ठीक थोड़ा सा अंदर गौसियन सरफेस खींचो तो चार्ज इनक्लोज ज़ीरो है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो गौसियन सरफेस इनर इनर सरफेस से टच करती हुई बनाई है उसमें चार्ज इनक्लोज ज़ीरो है तो इस अंदर के पूरे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा ये बहुत क्लियर सी बात है अगर कन्फ्यूज़न हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मेरे को फीडबैक दो प्रेस लाइक बटन सो दैट आई नो कि मैंने जो मेहनत की है उसका कोई मतलब निकल रहा है अगर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि बात आपको समझ आ रही है या नहीं और अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट सेक्शन में मुझको अपने डाउट्स लिख सकते हो मैं जैसे ही पढ़ती हूँ मैं तुरंत आंसर करती हूँ अब दूसरा रीजन है R1 से R2 के बीच का R1 से इस अंदर के R2 मतलब ये जो ब्लू पार्ट है ना जो मटेरियल का पार्ट है उसके अंदर ई वेरी कैसे कर रहा है तो अब तुम ई e के एक्सप्रेशन पर देखो या तुम इसको ऐसे समझो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ठीक है तो आप उस पर गॉसियन सरफेस खींचेंगे गॉसियन सरफेस एक्स डिस्टेंस की स्फेयर हो जाएगी अब सुन सोचो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा क्या ज़्यादा और ज़्यादा चार्ज का पार्ट इस गॉसियन सरफेस के अंदर आता जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी क्योंकि क्यू इनक्लोज बढ़ेगा गौसियन सरफेस के अंदर ये बात समझ आ रही है बेटा क्यू इनक्लोज बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स को बड़ा करते जाओगे ज्यादा से ज्यादा ब्लू पार्ट इस गौसियन सरफेस के अंदर आता जाएगा और अगर गौसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा बात समझ आ रही है बेटा तो आगे देखते हैं हम लोग जो पॉइंट मैंने बोला उसको आप और कैसे समझ सकते हैं जानते हैं आप आपको याद है कि आपने जो चार्ज कंडक्टर का चार्ज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ये रहा वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था जो पूरा का पूरा था ठीक है ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यहां पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है देखो बस इतना ही तो कि यहां पर पूरा सरफेस था पूरा स्फेरिकल वॉल्यूम था सॉलिड और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज और यहां पे बीच में एक कैविटी बना दी गई है यहां पे कोई मटेरियल नहीं है तो जब इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो क्या आया था देखो ये आया था <coughs> इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा था आर क्या था आर था सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर फील्ड देख रहे हैं अगर हमारा फोर जी बी का फाइल ये हो जाएगा तो ये वीडियो बेटा अचानक ही ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जब नेक्स्ट क्लास में तो यहीं से उसको एक्सप्लेनेशन को उठाएंगे ठीक है <coughs> <coughs> तो R1 से R2 के बीच में फील्ड आप कम से कम सॉल्यूशन पूरा देख लीजिए डायरेक्टली इंक्रीज करेगी सॉरी एक्सक्यूज मी और जैसे ही आप इस स्फेयर से बाहर निकल गए पूरा चार्ज इंक्लूज हो गया और ये कैसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर पर क्यू चार्ज पूरा का पूरा रखा है गॉसियन सरफ़ेस, जैसे ही आप बाहर निकल गए गॉसियन सरफ़ेस आप बनाएंगे तो पूरा का पूरा ये मटेरियल क्यू चार्ज के साथ इनक्लोज हो गया तो अगर एक्स आर टू से बड़ा है तो आपको बिल्कुल फील्ड वैसे मिलेगी जैसे कि क्यू चार्ज सेंटर पर रखा हो तो मिलती है यानी वन अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगी और जो आपका ग्राफ बनेगा सेंटर से आर वन तक फील्ड जीरो रहेगी क्योंकि चार्ज इंक्लोज ज़ीरो सेंटर से r2 तक फील्ड डायरेक्टली x के साथ बढ़ेगी लीनियरली और r2 से बाहर निकलते ही फील्ड वैसे बिहेव करने लगेगी जैसे कि एक सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हो और उसकी फील्ड वन अपॉन एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करती है तो अच्छे से आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो और नोट कर लो और अगर डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे और ये आपके लिए दो क्वेश्चंस अच्छे सवाल हैं प्रैक्टिस के दोनों क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एच सी वर्मा और क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन एच सी वर्मा मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आपको दिखा देती हूं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो हमने सफिशेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस कर लिए अगर आप फ्लक्स पर इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंडक्टर पर बात करेंगे बेटा कंडक्टर की बेहतरीन क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे टिल देन ऑल द बेस्ट कोई प्रॉब्लम होती है बी फ्री टू आस्क मी डाउट